आज हमारे साथ है i20 मैग्ना डीजल वेरिएंट जो कि 2022 में लॉन्च हुई थी, और आज हम इसकी बात करेंगे। अगर इसकी डिमेंशंस की बात करें तो डिमेंशन इसकी हैं 3995 mm, और विड्थ की बात करें तो 1775 mm, हाइट की बात करें 1505 mm, और अगर बूट की बात करें तो 300 प्लस की इसका बूट मिल जाता है हमें, और व्हील बेस की बात करें तो 2580 mm का इसका व्हील बेस है। अगर इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो हमें कुछ ऐसा लुक देखने को मिलता है। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, और यहाँ पे हमें नीचे मिलते हैं प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, और ये हैं DRL इसके, ये इसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके इंजन की तो ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो कि हमें 98 BHP की पावर देता है और 240 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और अगर माइलेज की बात करें तो इसकी माइलेज अराउंड 19.5 से लेके 25 की कंपनी क्लेम करती है, बट इन एक्चुअल लाइफ इट विल गोज अप टू 23 किलोमीटर पर लीटर। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है, और इसके में आपको इंडिकेटर है जो वो फेंडर पे दिखता है, और जो ORVM है वो उस पे इंडिकेटर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलता है क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। सो इसका डोर कुछ ऐसा सा दिखता है, और ये अलॉयज हैं जो ये बाहर से डलवाए गए हैं। इसका टायर का साइज़ आता है 185/65R15 इंच, ये 15 इंच अलॉय। अगर इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो कुछ ऐसा सा लुक आता है हमें। यहाँ पे आपको देख, यहाँ आप i20 की बैजिंग देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी डिश वॉशर और ना ही डिफॉगिंग की सुविधा दी गई है हमें, और ये आप देख सकते हैं टेल लाइट्स हैं, ये हेलोजन लैंप से ग्लो करती हैं। अगर रूफ़ की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको सिंपल पावर एंटीना मिलता है, आपको शार्क फिन एंटीना अवेलेबल नहीं कराया जाता है। और ये जो आप क्रोम देख रहे हैं ये भी एसेसरी का ही पार्ट है, आपको मैग्ना वेरिएंट में ऐसा क्रोम देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए अब हम इसके ड्राइविंग सीट पे बैठ के देखते हैं। अगर इसके फ्रंट डोर की बात करें तो कुछ ऐसा सा लुक आता है, ये पूरा ही ब्लैक कलर में इंटीरियर आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर डोर की बात करें तो यहाँ आपको चारों पावर विंडोज़ मिलेंगी, और ये ORVM के कंट्रोल्स हैं, ये लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं, और ये इसका नीचे ऐसे स्पीकर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, इसमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर मिलते हैं। ये बेस वेरिएंट है, बट बेस वेरिएंट भी वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इसका डैशबोर्ड लुक देखें तो कुछ ऐसा सा आपको दिखेगा। अगर आप हम इसके स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के कंट्रोल, फ़ोन पिकअप के कंट्रोल, म्यूट करने के मोड के कंट्रोल दिए जाते हैं, और यहाँ आपको रीसेट और ट्रिप का बटन दिया जाता है। अगर चाबी की बात करें तो कुछ ऐसी आपको की देखने को मिलेगी, और लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन मिलेगा आपको। अगर हम इसकी अगर हम इसके मीटर्स की बात करें तो कुछ आपको ऐसा देखने को लुक मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही एनालॉग मीटर्स हैं, और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले दी गई है जो आपको काफ़ी कुछ दिखा देती है, जैसे कि ये ट्रिप की एवरेज स्पीड आ रही है, कितनी चल चुकी है, कितने किलोमीटर्स ट्रिप ए बी आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने फ्यूल से आप कितने देर और चला सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ देखने को आपको मिल सकता है इसमें। अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करें तो वो आपको यहाँ पे सिर्फ ऑडियो ही मिलेगा, आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले कुछ नहीं मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पियानो ब्लैक फिनिश में आता है, और बाकी सारा ये मैट है। अगर गियर नॉब की बात करें तो ये भी आपको इसमें पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। अगर यहाँ आप स्पेस की बात करें तो यहाँ आपको स्पेस मिल जाती है, मैनुअल एसी कंट्रोल्स आते हैं, और इसमें यहाँ पे आपको 12 वॉट की सॉकेट मिल जाती है, और USB की सॉकेट मिल जाती है, ये खाली प्लेस है, ठीक है। और अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको ऐसा ग्लव बॉक्स मिल जाता है विच इज़ कूल्ड टाइप, आपको इसमें कूलिंग भी का भी ऑप्शन मिल जाता है। हाँ, इसमें आपको लाइट्स नहीं मिलती हैं,
ठीक है ग्लव बॉक्स में, बट कूलिंग का ऑप्शन मिल जाता है ज़रूर। अगर यहाँ की बात करें सेंटर कंसोल की, तो यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है। अगर आर्म रेस्ट की बात करें तो यहाँ आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाता है। अगर हम सनवाइज़र की बात करें तो यहाँ आपको देखने में मिल जाएगा, पैसेंजर साइड पे आपको मिरर देखने में मिल जाएगा, ये आपका मिरर आ जाता है बैक साइड का। और यहाँ पे आपको शेड्स रखने की प्लेस मिल जाएगी और ये आपके एक लाइटिंग आ जाएगी। और अगर ड्राइविंग साइड का आप सनवाइज़र देखेंगे तो यहाँ आपको फ्लैब मिल जाएगा। अगर बात करें इसके की फीचर्स की, तो हमें इसमें पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, और ABS भी सिस्टम मिल जाता है, एयर कंडीशन मिल जाता है, ड्राइवर एयर बैग और पैसेंजर एयर बैग मिल जाते हैं, व्हील कवर मिल जाते हैं, फॉग लाइट्स आपको मिल जाती हैं इसमें, स्टेयरिंग व्हील माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं अब हमें इसमें। अगर हम इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें ABS मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पावर डोर लॉक्स मिल जाते हैं, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाते हैं, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है, और हमें डे एंड नाइट रेयर व्यू मिरर मिल जाता है, रियर सीट बेल्ट मिल जाती हैं, सीट बेल्ट वार्निंग मिल जाती है, डोर हजार वार्निंग मिल जाती है, साइड इंपैक्ट बीम्स, फ्रंट इंपैक्ट बीम्स मिल जाते हैं, एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं हमें इसमें, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता है, ECW मिल जाता है हमें इसमें, जैसे इंजन चेक वार्निंग हम कहते हैं, क्लच लॉक मिल जाता है, EBD मिल जाता है इसमें हमें, स्पीड सेंसिंग अलार्म मिल जाता है हमें, और हमें यहाँ प्री टेंशनर्स फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट मिल जाती हैं। तो आइए अब पिछली सीट पे बैठ के हम देखते हैं, कंफर्ट चेक करते हैं कि कैसा कंफर्ट आपको मिलता है। अगर आप रियर डोर की बात करें तो यहाँ आपको बोतल होल्डर और स्पीकर्स मिल जाते हैं और पावर विंडो का ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर पीछे से देखें तो कुछ डैशबोर्ड की लुक ऐसे हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि 2 AC वेंट्स दिए गए हैं और पावर सॉकेट भी है, कुछ स्टोरेज भी है, जैसे फ़ोन वगैरह हम रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको रीडिंग लैम्प दिया गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोट हुक करने के लिए आपको हैंडल भी दिया गया जाता है। अगर स्पेस की बात करें तो मेरी हाइट 5'8" है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस है, आप इजीली बैठ सकते हो कंफर्टेबली। तो अब हम इसका बूट खोल के देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया जाता है आपको, और ये पार्सल ट्रे है। मैग्ना वेरियंट में पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं होती है, ये एक्सेसरी का पार्ट है। अगर इसके बूट की बात करें ये, तो ये 360 लीटर का बूट स्पेस है। अगर हम इसके एक्स स्पेयर व्हील की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसकी डिमेंशंस 185/70 R14। ये हमें 1 इंच छोटा दिया जाता है नॉर्मल टायर से।